अरे यार, हमें डॉक्टर के पास जाना था, ये कहाँ ले आया? डॉक्टर के पास ही तो लाया हूँ। अरे भाई, लेकिन यहाँ ना कोई हॉस्पिटल दिख रहा है ना कोई क्लिनिक। वो देख, वो जो पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, वही है डॉक्टर। वो? हाँ। अरे वो डॉक्टर कम और पेड़ के नीचे बैठ के बाल काटने वाला ज्यादा लग रहा है। अरे ऐसा नहीं है, वो असली डॉक्टर है। अच्छा, तो फिर वो यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है? क्योंकि उनका क्लिनिक है। और देख, तू ज्यादा सोच मत, चल मेरे साथ। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे नमस्ते सुशील, कैसे हो? सब ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, वो मेरे दोस्त की तबीयत थोड़ी ख़राब है। अच्छा अच्छा, आओ बैठो यार, बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक। विवेक, क्या हुआ है बताओ? पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। अच्छा, तो क्या खाया था सुबह? नहीं, सुबह कुछ नहीं खाया था, लेकिन कल रात में बाहर से ही खा लिया था। हाँ तो बस वही प्रॉब्लम है, बाहर का खाना खाओगे तो ये सब तो चलता रहेगा। बाहर का खाना अवॉइड करो, ठीक है, घर का बना खाना खाओ, हो जाएगा ठीक। ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है कोई, बस ये है कि आज जाना तो आज हल्का खाना खाना, ज़्यादा हैवी नहीं, ठीक है? बाकी मैं काम करता हूँ, तुमको ना दवाई दे देता हूँ। सुबह शाम में दवाई लेना, और अगर फिर भी आराम नहीं आता तो कल मुझे दोबारा दिखा दो, ठीक है सर? ये लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू सर। यार तूने उन्हें बस 10 रुपये दिए? हाँ, तू क्या उनकी फीस से 10 रुपये? क्या बात कर रहा है? अरे हाँ हाँ यार। अच्छा चल, तुझे मैं उनके बारे में बताता हूँ। उन्होंने ना इंडिया और इंग्लैंड के दो बड़े इंस्टीट्यूट से MBBS और MD किए हैं, और डॉक्टर बनते इनको ऑफर आने लग गए कि हमारे हॉस्पिटल में ज्वाइन कर लो, यहाँ जाओ। लेकिन उन्होंने सबको मना कर दिया, क्योंकि सारे हॉस्पिटल बहुत महंगे थे और इनको अमीरों का नहीं गरीबों का डॉक्टर बनना था। इसलिए इन्होंने अपने ही घर में एक छोटा सा क्लिनिक खोला और वहाँ पे 10 रुपये में लोगों का इलाज करने लग गए। और शायद इसी की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी, फिर उनको वो घर और क्लिनिक बेचना पड़ा। बस तब से इसी पेड़ के नीचे वो क्लिनिक लगाते हैं और लोगों का इलाज करते हैं। तो सुबह आया होता है तो देखता कि यहाँ पे कितनी भीड़ होती है। अरे लोग लाइन लगाते हैं इलाज कराने के लिए इनसे। आम सा दिखने वाला इंसान ना किसी भगवान से कम नहीं। जहाँ लोग पैसों के पीछे जानवर बनते जा रहे हैं ना, ये इंसान वही दूसरों की मदद कर रहा है उसे छोड़ दे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में। चल ठीक हो जाएगा भाई तू।